राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। राघव जहां राजनीति से जुड़े हैं तो परिणीति फिल्मी दुनिया से। वैसे भी सियासत और सिनेमा का रिश्ता काफी गहरा है। ये पहला मौका नहीं है जब कोई राजनेता किसी एक्ट्रेस के साथ शादी के बंधन में बंध रहा हो। आज इस वीडियो में बात उन एक्ट्रेसेस की जिन्होंने राजनेताओं से शादी की है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका दुबे। नंबर वन, सबसे पहले बात स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के युवा नेता फहाद अहमद से निकाह किया है। स्वरा ने खुद बताया कि वो पहले फहाद की अच्छी दोस्त थी और फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। इनकी शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। हालांकि तब स्वरा भास्कर को दूसरे समुदाय में शादी के लिए काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। नंबर दो, स्वरा भास्कर के बाद आयशा टाकिया की। कई सुपरहिट फिल्में कर चुकी आयशा महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अबू आजमी की बहू और फरहान आजमी की पत्नी है। फरहान समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। वहीं आयशा की बात करें तो वो अभी तक राजनीति से दूर हैं, लेकिन वो शादी के बाद फिल्मों में नजर नहीं आई। नंबर तीन, सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि तेलुगु सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस नवनीत कौर राणा ने भी राजनेता से शादी की है। उनके पति रवि राणा विधायक हैं। वहीं नवनीत ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली है और खुद नवनीत राणा भी राजनीति में आ गई हैं। फिलहाल वो अमरावती से सांसद हैं। नंबर चार, कर्नाटक के दिग्गज नेता एच डी कुमार स्वामी की पत्नी राधिका कुमार स्वामी भी साउथ सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उन्होंने 2006 में कुमार स्वामी के साथ शादी की थी, लेकिन अपनी शादी का खुलासा दोनों ने 4 साल के बाद किया था। ऐसी सभी जानकारी के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म।